राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज के एक घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात की खबर सामने आई है, जहां पर चोर दिन दहाड़े लाखों का कैश और ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि घर के लोग किसी काम से घर से बाहर गए थे। शाम को जब घर वापस आए तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। दरवाजे के पास एक लोहे का सरिया रखा हुआ था। घर के अंदर घुसने के बाद दो कमरों के सभी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। घर वालों के मुताबिक घर में रखा कैश और लाखों के गहने के अलावा कीमती घड़ी और कई सामान भी गायब थे। घर वालों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, लेकिन घर वालों का आरोप है कि दो घंटे बाद तक भी कोई पुलिस वाला घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। घर और सोसाइटी दोनों में सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से चोरों की पहचान करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित बीजेपी अध्यक्ष के पीए का भतीजा बताया जा रहा है।